इस वीडियो में आज आपको मैं RSI की ऐसी जादुई टेक्निक सिखाऊंगा। टेक्निक नहीं कहेंगे इसको, एक जो सही यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत तक आप देख कर जो है ना आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए दोस्तों, मैंने अल्ट्राटेक का सीमेंट का चार्ट लगा रखा है, ओके, पिछले कुछ महीनों का लगा रखा है, ओके, जुलाई से लास्ट 1 ईयर के ऑलमोस्ट। और आप देखेंगे मैंने जो RSI लगाया है इसका जो वैल्यूज़ लगाई हैं, लोअर लिमिट 38 है और अपर लिमिट 62 है। इसका भी रीज़न है, देखिए दोस्तों, जो ये 38 और 62 ये जो होते हैं फिबोनाची नंबर्स होते हैं, तो इनके आसपास जो है ना RSI का बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। तो आपने अभी तक सीखा होगा RSI 20 से नीचे जाए तो बियरिश है, 30 से नीचे जाए तो बियरिश है, ऊपर के लेवल 70 या 80 पढ़े होंगे आपने। पर एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली जो आपको मार्केट जो सिखाता है ना, वो मैं आपको इस चार्ट पे बता दूंगा और प्रूफ भी कर दूंगा ये 38 और 62 का क्या सिग्निफिकेंस है। आप जो है अदर चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अल्ट्राटेक का चार्ट है, ये मैंने जो रेड डॉट्स लगा रखे हैं, ओके, ये रेड डॉट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो RSI जब ये जो है 38 से नीचे चला गया था, तो आप देखेंगे करस्पॉन्डिंगली यहाँ RSI चार्ट पे RSI जो है 38 के लेवल से नीचे चला गया जब जब ये बॉटम बना रेड डॉट का। इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये जो है इस टाइम पे जो चार्ट अभी तक इनका बियरिश था, 38 से नीचे जाता है इसका मतलब जो है बियरिश है। तो ये जो है जब जैसे ही 38 से नीचे आता है ये इन्वेस्टर्स पैराडाइज बोला जाता है, इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर, ओके। और अब देखिए फिर इसके बाद चार्ट जैसे जैसे डेवलप हुआ, ओके, यहाँ पर एक चाल आई, उसके बाद फिर से एक जो है वापस इस लेवल पर आ गया। पर देखिए RSI यहाँ पर जो है आपको 38 से नीचे नहीं गया, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन सिंबल दिया है, क्योंकि ये जो है ना फिर ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब बुलिश फेज़ में चला गया, इसका मतलब बुलिश फेज़ में है, अभी ये बेयरिश से बाहर आ गया है। सिमिलरली आप देखेंगे जब भी ये जब बॉटम बना, यहाँ पर ग्रीन मैंने लगा रखा, यहाँ भी देखिए RSI जो है 38 से ऊपर था, इसका मतलब अभी भी चार्ट बुलिश है। ये जब बॉटम बना तब भी देखिए RSI 38 से ऊपर था, इसका मतलब बुलिश है। ये जो बॉटम आया तब भी देखिए RSI इसका मतलब 38 से ऊपर था, इसका मतलब अभी भी बुलिश है। फाइनली आके देखिए यहाँ पर जो ये बॉटम बना तब जाके RSI जो है नीचे गया मार्च के स्टार्टिंग में। तो ये एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं, ओके, उनके लिए एक एग्जिट सिंबल था कि हाँ चलिए अब जो है 38 से नीचे चला गया, आप जो है आपको निकल जाना चाहिए। और फिर देखिए फिर जो एकदम जो क्रैश आया था मार्केट में, उसके बाद तो फिर ये 38 से क्या बहुत ही ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया था। तो ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम था, बहुत ही गोल्डन वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। अब देखिए अब क्या हो रहा है, उसके बाद जैसे जैसे चार्ट डेवलप हुआ, फिर जब ये बॉटम बना देखिए एक भी बार RSI 38 के नीचे नहीं गया, इसका मतलब जो है ये इसमें बुलिश जो है स्ट्रेंथ आ गई RSI प्राइस में। फिर देखिए ये बॉटम बना, यहाँ भी देखिए 38 से नीचे नहीं गया, ये बॉटम बना, ये भी देखिए 38 से नीचे नहीं गया। अब जो बॉटम बना है देखिए अभी तो 50 से भी नीचे नहीं गया, इसका मतलब अब जो है बुलिश सिग्नल है। तो आप इस तरह से RSI का जो है एक जो है इंटेलिजेंट स्मार्ट यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी चार्ट उठा के खोल लीजिए किसी भी अच्छी कंपनी का, क्वालिटी कंपनी का, तो आप देखेंगे जो प्राइस स्ट्रेंथ होता है वो आपको शो कर देगा कि आपको शॉर्ट टर्म में क्या आपको पोजीशन कैसे लेनी चाहिए, वो बियरिशनेस बताएगा, चार्ट आपको खुद ही बता देगा, ठीक है। और होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।